नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। अभी मैं अररिया के बस स्टैंड पर हूं और जहां पर आपको मैं बता दूं कि नगर परिषद की ओर से लगातार साफ सफाई अभियान जोरों शोर पर चलाया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं कि अभी मैं अररिया के बस स्टैंड पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं नहर जो है, नहर के साइड में कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। यहाँ पर जो है एक चाय की दुकान है, वहाँ मैं आपको दिखा दूँ, कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि थोड़ा दिखाएं वो कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर फैलाया जा रहा है और जब यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे नहर में नहाते हैं उनको कितनी दिक्कत होगी और कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अभी जब हम यहाँ पर न्यूज़ कवर कर रहे थे तो यहाँ पर नगर परिषद के जो पिता हैं, नगर परिषद मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्र जी यहाँ पर आए, तो मैंने सोचा इनसे भी बात करूँ। सर, ये बताइए कि आप लोगों के माध्यम से लगातार जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन यहीं पर नहर में जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहाते, स्नान करते आ करके, उनको इस गंदगी से कितनी बीमारी होगी, नहर की साफ़ सफाई पे ध्यान क्यों नहीं है आपका? एकरा हम पकड़ सके, सबसे पहले तो अलाउद्दीन भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सफाई पर, आप पत्रकार हैं लेकिन आपको इतना सफाई पर ध्यान है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। हाँ, आप अच्छा किए हैं जो हमको आप सहयोग कर रहे हैं, ऐसा बोल के हमको बड़ा दुख होता है। हम नहीं चाहते हैं जो हमसे किसी को दिक्कत हो, कोई रहे, दुकानदार भाई रहे, कोई भाई रहे, हम नहीं चाहते हैं जो हमसे किसी को दिक्कत हो। लेकिन अगर कोई ये समझता है जो भला, बहुत भला आदमी है, हाँ विजय मिश्र, कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पर हमको बर्दाश्त नहीं होता है, सब पर्दा हम तोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ का खेला, ये जो चाय दुकानदार है, हाँ ये दो भाई है, ये दो भाई है, एक तो है राजा भगत, एक तो है रोशन भगत। ये दोनों लड़का इतना गंदा, कर्म से गंदा देखा जाता है, इतना गंदा है जो अभी आपके सामने में कितना डिस्पोजल कप को फेंका है, जो पानी के ऊपर आ गया है, पानी के नीचे में कितना है वो हम लोग को नज़र नहीं दे रहा है, पानी के ऊपर में कितना है, कम से कम तो 5-10 लाख यहाँ फेंका हुआ है। और ये नहर पर गरीब गरीब बच्चा सब जो मेरा है, बीन टोला है, हमारे मुस्लिम बच्चा सब ये रोड में है, सब बच्चा सब, उन लोग जो बच्चा बच्चा होता है वो लोग स्नान करता है, इसमें हेलता है नहर में, हाँ हेलता है, वो लोग बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री गंगा की सफाई को लेकर के हमेशा जागरूक रहते हैं, आप अररिया के नगर चेयरमैन हैं, इस पर ध्यान आपका क्यों नहीं गया? हाँ, ध्यान गया है भैया, तब ना आपको हम सहयोग कर रहे हैं बोलने में, और हम इसको सफाई करेंगे। ये जो है राजा भगत और रोशन भगत, इसका पिता का नाम है पिता शिवनाथ भगत, ये दोनों लड़का जो है राजा भगत और रोशन भगत, इतना बड़का अपने आप को मने समझता है, वो पूरा पूरा नहर को गंदगी से भर दिया है और दूसरे को भी कहता है गंदगी फेंको, यहाँ फेंक रहा है, अब सामने में देखिए वहाँ कितना फेंका है, क्या इसको देख करके वो फेंक रहा है, देखिए है, ये अपना पूरा नहर को गंदा करने में लगा हुआ है। अब हम यह बात अभी एग्जीक्यूटिव साहब को फोन करेंगे, उसको नोटिस दे, ये नहर का सफाई का पैसा वो दे, जो प्रावधान मेरा नगर में है वो टोटल पैसा दे, गुमटी हम लेकर के जाने के लिए अब नहीं देंगे, गुमटी सीधा थाना जाएगा और उसका टोटल सामान को सीज होगा, वो दोनों लड़के जितना कठिन कार्रवाई होता है वो दोनों पर होना चाहिए। हम अपना एग्जीक्यूटिव साहब को अभी फोन करेंगे, आपसे बात हो गया है, आप बहुत अच्छे, इसी तरह टाउन को मेरा देखते रहिए, जहाँ जो प्रॉब्लम है हम हर क्षेत्र में, हर जगह, हर काम करने के लिए तैयार हैं। बस तो सीधा यहाँ पर जो नगर परिषद चेयरमैन विजय कुमार मिश्र जी का कहना है कि नहर को जिस जैसे भी हो हमें साफ रखने की ज़रूरत है और हम रखेंगे, और यहाँ पर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी हमारे ओर से। इनके साथ जो है यहाँ पर वार्ड पार्षद भी साथ में आए हैं, वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद टीपू राज जी हैं, उनसे थोड़ा जानेंगे, आप भी यहाँ साथ में घूम रहे हैं, शहर को लेकर के साफ सफाई पे कितना ध्यान है आप लोगों? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमेशा घूमते हैं शहर की साफ सफाई पर, आप लोग का नज़र रहता है। हम तो कहना यही चाहेंगे, हमारे चेयरमैन साहब जो सफाई का कार्य किए हैं आज तक, उतना कार्य कोई भी चेयरमैन नहीं किया है,
अब साफ सफाई एकदम होना चाहिए, गंदगी रहेगा तो बीमारी फैलेगा, बीमारी को ख़त्म करने के लिए गंदगी ख़त्म करना होगा। चेयरमैन साहब लगे हुए हैं, हम लोग चेयरमैन साहब के साथ में हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, शहर कैसे साफ सुथरा रहे, वातावरण अच्छा रहे, दूषित ना हो, जिससे बीमारी को रोका जाए। इस तरह का देखिए नगर परिषद की ओर से ये भी देखा जाता है कि जो भी छिड़काव का काम होता है, चाहे वो मच्छर मारने का हो या फिर कीड़ा मारने का हो, हर तरह से की जाती है। लेकिन सर जब ये ख़त्म नहीं होगा, इसको नहीं हटाएंगे, तो क्या लगता है आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो कैसे कामयाब होगी? एकदम चेयरमैन साहब अभी स्पष्ट बोल दिए हैं कि हटेगा, बहुत जल्दी उसका दुकान सीज होगा, उस पर जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगा वो कार्रवाई करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब तत्पर हैं और उस पर कार्रवाई होगा, जल्द से जल्द सफाई का काम आपको देखने को मिलेगा। चलिए नगर परिषद चेयरमैन जो है जी, सर और भी हैं जी, आ जाइए, थोड़ा और भी वार्ड पार्षद हैं यहाँ पर साथ में जो आए हैं और लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं ये लोग कि कहाँ पर क्या कमी है उसको देख रहे हैं और उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो अररिया घूम रहे हैं आज शहर में, संडे का दिन छुट्टी का दिन है आज, लोग आप लोग फिर भी जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आप लोग घूम रहे हैं, क्या शहर में मिला आप लोगों को अभी तक? शहर में हमारे मुख्य पार्षद लगातार प्रयासरत हैं कि शहर को कैसे साफ सफाई रखा जाए, तो मुख्य पार्षद हमारे अभी नहर पे आए तो काफ़ी गंदगी देखा गया, तो मुख्य पार्षद हमारे इसमें प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द शहर को साफ सफाई किया जाए और नहर पे जो गंदगी है उसको तत्काल तुरंत उसको सफाई किया जाए और जो दूषित कर रहा है उसके कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। देखिए सारी बातें तो हो ही गई और एक्शन लेने की बात भी हो गई, लेकिन चेयरमैन साहब से एक सवाल और है मेरा। सर ये तो गंदगी है और ये बहुत बुरा है, आप इस पे एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन हटिया रोड पे अगर आते हैं तो हटिया रोड को भी क्लीन करने की ज़रूरत है और हरियाली मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए हम पहले बोल दिए हैं, मेरा नज़र हर जगह है, हटिया रोड के बारे में हम यही चारों भाई हमारे वार्ड कमिश्नर आयुक्त जो है अभी जो है वर्तमान, इनको लेकर के गए हम इम्तियाज भाई के पास, पप्पू भाई के पास, हमारे जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं चेयरमैन हैं हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन काम में भैया हमको सब करके दीजिए तब ये हम आपसे खुश रहेंगे। उस NOC उसके लिए हम स्टेशन रोड का गए लेने के लिए, जो आपका रोड है आप NOC लाइए, हम स्टेशन रोड बनाएंगे, कहें तो हमको पैसा है इसीलिए कहें। उसके बाद हम हटिया रोड का कहे तो अभी तक हम दोनों कागज़ दिए, फिर वो कहेगी नहीं वो हम पहले किसी को दे दिए हैं स्टेशन रोड, लेकिन वो बनेगा, कोई बनावे हमको बन जाए। हाँ उसके बाद हटिया रोड का वो NOC हमको अभी तक नहीं दिया है। जरा आप हम आपको आपके माध्यम से पप्पू भैया को कह रहे हैं, अपना बड़े भाई जिला परिषद अध्यक्ष से, जो हमको जल्दी से कागज दे दे, जो NOC दे दे, जो पकड़ के हम यहाँ से वहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, बस जरा सा हमको मदद करे, NOC दे तब ना, बिना NOC का मैं काम नहीं करूँगा। तो नगर परिषद चेयरमैन जो है उनका कहना है हटिया रोड को लेकर के, जब मैंने सवाल किया आप सब ने बखूबी सुना, इनका कहना है कि NOC अगर नगर जिला परिषद चेयरमैन इनको देते हैं तो हटिया रोड को भी उसके बारे में भी सोचेंगे और उनका नक्शा बदल के रख देंगे। बाकी जो भी है अररिया शहर के अंदर जो भी गंदगी फैलाते हैं वो थोड़ा चेयरमैन साहब की बात सुन के थोड़ा समझ लें कि आप सब पे क्या एक्शन होने वाला है या होगा। तो आप सब जो भी गंदगी फैलाते हैं, शहर अपना है, अपने शहर को साफ सुथरा रखें और स्वस्थ भी इससे रहेंगे हम और हमारे बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया सन सिटी न्यूज़ देखने के लिए, धन्यवाद आप सबका।